हाय गाइस, वेलकम टू सारा किचन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके लिए इतनी टेस्टी डिश लाए हैं जिसको हम भरवा करेला कहते हैं। करेला एक ऐसी चीज़ है जो मोस्टली बच्चों को पसंद नहीं आती और पेरेंट्स उस वजह से बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी डिश होती है बट बच्चों को पसंद नहीं आती। तो अगर आप इस तरीके से करेला बनाएंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके बच्चों को, सारे घर वालों को बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने 1 किलो करेला ले लिया है जो 4 जनों की मील के लिए इनफ है, और मैं सब करेलों का एक एक करके छिलक उतार लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल अच्छे से साफ कर रही हूँ करेलों को। तो ऐसे करके मैंने सारे करेलों के छिलक उतार लिए हैं, और अब मैं उनमें एक एक कट लगाऊंगी, जो हमें पूरा नहीं काटना है बट एक साइड से कट लगाते हुए जाना है ताकि हम उसको खोल सकें और उसके अंदर के बीज चेक कर सकें। अगर आपके करेले के बीज जो है वो कच्चे हैं तो आप उनको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, बट अगर वो पके हुए हैं या फिर लाल कलर के हैं तो फिर आप उनको निकाल दीजिए, क्योंकि वो बीज गलेंगे नहीं तो आप उनको खा नहीं पाओगे। तो इसलिए अगर कच्चिया करेला है, कच्चे बीज है, तो आप उनको रख सकते हैं, अगर पके हुए हैं तो आप उनको निकाल दीजिए। करेला आपको तभी फेंकना है जब उसके अंदर कीड़ा हो, वो बहुत कम होता है, अदरवाइज़ पके हुए बीज को आप निकाल के उन्हें डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं मैं हर करेले में एक चीरा लगा रही हूँ और उसके बीज चेक कर रही हूँ, अगर वो पके हुए तो मैं निकाल रही हूँ, अगर वो कच्चे हैं तो मैं उनको खा सकती हूँ, वो पक जाएंगे तो हम उनको नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल अंदर से खाली कर लिया और मैंने सारे करेले जो कच्चे थे उनको छोड़ दिया और जो पके हुए थे उनके बीज निकाल लिए हैं। अब मैं इनको नमक लगा के रख दूंगी रात भर, ताकि इनके जो कड़वाहट है वो बिल्कुल निकल जाए। याद रखें कि बहुत ज़रूरी स्टेप है कड़वाहट निकालने के लिए, क्योंकि करेले की कड़वाहट की वजह से ही बच्चों को पसंद नहीं आते। तो अगर उनका कड़वाहट मीठेपन में बदल जाए, टेस्ट में बदल जाए, तो वो बहुत पसंद आएंगे। तो मैंने सारे करेलों पर अंदर बाहर बिल्कुल अच्छे से नमक लगा दिए और उनको रख दिया है। एटलीस्ट ओवरनाइट के लिए हम ट्राई करेंगे, अगर ओवरनाइट नहीं तो आप कम से कम 6 घंटे के लिए रखें। अगले दिन सुबह मैंने 7-8 बड़े प्याज ले लिए जिनकी मैं स्टफिंग करूँगी उसके अंदर, और मैंने उनको मोटा मोटा काट लिया क्योंकि मैं चॉपर यूज़ करके उन्हें बारीक चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से भी उनको बारीक बारीक काट सकते हैं, बट चॉपर से ज़्यादा अच्छा और फाइन कटता है। तो आप देख सकते हैं कि चॉपर में हमें प्याज दिख भी रहे हैं कि कैसे चॉप हो रहे हैं। तो आप उनको एक बिल्कुल बारीक बारीक जब तक प्याज हो जाए तब तक उनको चॉप करते रहिए, और फिर चॉप होने के बाद उन्हें एक बाउल में निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि प्याज ऑलमोस्ट बारीक हो गया है, तो मैं अब उनको एक बाउल में निकाल लूँगी। तो यहाँ मैंने एक बाउल में निकाल लिए सारे प्याज, अब मैं उनमें एक एक करके मसाला ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच मैं अमचूर पाउडर यूज़ करूँगी। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, ये खट्टा देने के लिए, करेले को टेस्टी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी और इन सबको मिक्स कर दूँगी। तो जो मेरे को करेले के अंदर स्टफिंग करनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब जो मैंने करेले रात को नमक लगा के रखे थे उनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, ताकि उनके जो भी कड़वाहट है वो अच्छे से वॉश हो जाए और पानी से निकल जाए। अगर आपके पास रात को रखने का टाइम नहीं है तो आप नमक के पानी में भी करेलों को उबाल सकते हैं, तो वो तब भी कड़वाहट निकल जाएगी। और करेले धोने के बाद मैंने हर करेले को, जो मैंने कट लगाया था अंदर जो भी उसके स्पेस है, उसको अच्छे से स्टफ़ करूँगी, या जितनी ज़्यादा स्टफिंग होगी उतना आपको टेस्टी लगेगा। तो इनको, सब करेलों को एक एक करके अंदर से भर दीजिए प्याज से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे करेले स्टफ कर लिए हैं। अब मैं इन पे धागा भी लपेट दूंगी, इनको टाइट बांध दूंगी जैसे हम किसी चीज़ की सिलाई करते हैं, ताकि इनकी जो स्टफिंग है वो पकते हुए, क्योंकि करेले खुल ना जाएं या वो निकल ना जाए, क्योंकि स्टफिंग का ही बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो मैं इनको अच्छे से धागे से बांध दूंगी।
यहाँ पे मैंने छोटे से 4-5 प्याज भी ले लिए जो मैं लास्ट में करेलों के साथ फ्राई करूँगी, तो उनके ऊपर बहुत मसाला चढ़ जाता है तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं। ये ऑप्शनल है, आप नहीं लेना चाहे तो मत भी लीजिए। फिर मैंने एक कढ़ाई लिया और मैंने उसमें 4 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है। आप याद रखिए कि सरसों का तेल में ही हमें इसको पकाने हैं, रिफाइंड ऑयल में नहीं। और इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि करेलों को पकने में टाइम लगता है। तो मैंने 4 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है और उसको कढ़ाई में डाल के आप देख सकते हैं मैंने सारे करेले इसमें डाल दिए और करेले, और मैंने इनके ऊपर एक टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऊपर भी लगा दिया ताकि वो ऊपर वाली साइड से भी अच्छे से सिक जाएं। तो याद रखें कि सरसों के तेल में ही बनाइए तभी बहुत टेस्टी बनेंगे, रिफाइंड ऑयल में ये अच्छा नहीं बनेगा। इनको कवर करो और लो से मीडियम फ्लेम पे एटलीस्ट 30-45 मिनट्स इनको पकने में टाइम लगता है क्योंकि ये धीरे धीरे पकते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। बीच बीच में आप इनको चलाते रहिए, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर करते रहिए, चारों तरफ से पलट पलट के इनको सेकते रहिए। तो आप देख सकते हैं कि 35 मिनट्स के बाद करेला ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन सा हो गया और सॉफ्ट हो जाती है इसकी लेयर। अब मैं इसमें जो मैंने 3-4 प्याज एक्स्ट्रा छील के रखे थे वो भी डाल दूंगी। इनको पकाने का टाइम हो गया, उनको हम शुरू में बिल्कुल नहीं डालेंगे अदरवाइज़ वो एंड तक बिल्कुल जल जाएंगे। तो जब करेले ऑलमोस्ट हो जाएं तो मैं इसमें जो मैंने प्याज काटे हैं वो डाल दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है बट ये प्याज में जब मसाला चढ़ जाता है तो वो बहुत टेस्टी लगता है, तो आप इसको डाल सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया और अब मैं सिर्फ इसको लो से मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए और पकाऊंगी और इनको बीच बीच में मुझे चलाते रहना है जब मैं आधा घंटा इसको रखूंगी भी ऊपर वाले नीचे, ताकि सारे करेले अच्छे से चारों तरफ से सिक जाए। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद प्याज भी सिक गए हैं। हमें थोड़ा कच्चे ही प्याज पसंद है और ये कच्चे ही अच्छे लगते हैं, तो करेले ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हो गए। अब मैं इनको बाउल में निकाल लूँगी। तो गाइज ये इतने टेस्टी बनते हैं, आई एम डेड श्योर कि आपके बच्चों को करेले भी पसंद आने लग जाएंगे। आप प्लीज़ इस तरह से बनाइए और अपने घर वालों को परोसिए किसी दाल के साथ या ऐसे ही ब्रेकफास्ट में। हमें तो बहुत पसंद आते हैं और हम अच्छे से करेले खाते हैं। इनफैक्ट इसकी रेसिपी बनाते हुए मुझे अपने कलीग की भी याद आई है जिनको मेरे हाथ के करेले बहुत पसंद थे और वो बहुत शौक से खाती थी। तो गाइज़ बट ये याद रखिए कि जो हमने इस पे धागा लपेटा था आप वो उतार के खाइए। आप देख सकते हैं अंदर स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं निकली है, बिल्कुल वैसी है जितनी हमने भरी थी। तो धागा उतार के ही आपको खाना है। तो गाइज़ बनाइए अपने परिवार के साथ, ये टाइम एंजॉय कीजिए और अपने रिव्यू शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।